बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट पार्टी की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, कल पीएमएस के जो दो पेपर्स हो चुके थे मॉर्निंग और इवनिंग में, एक पेपर मॉर्निंग में हुआ था और दूसरा इवनिंग में। मॉर्निंग वाला पेपर तो मैं कम्प्लीट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और इस वक्त इवनिंग वाला पेपर अपलोड करते हैं। ये पेपर 2 बजे हुआ था कल, यानी 18/6/2021 को। मॉर्निंग में जो पेपर हुआ था उसके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पार्ट 1 है और ये 1, 2, 3 पार्ट्स होंगे वो इंग्लिश के होंगे, क्योंकि इंग्लिश के 50 एमसीक्यूज हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 देखे, दिस वन अ पर्सन हु पोजेसेस बोथ इंट्रोवर्टेड एंड एक्सट्रोवर्टेड इंटरेस्ट इज, उसको क्या कहते हैं? एम्बीवर्ट, AMBIVERT। एम्बीवर्ट इज अ पर्सन हु पोजेसेस बोथ इंट्रोवर्टेड एंड एक्सट्रोवर्टेड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखे, द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैपिंग इज कॉल्ड यूरेनोग्राफी, ऑप्शन ए। यूरेनोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैपिंग। क्वेश्चन नंबर 3 देखे, 3 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लिखे, वन हु इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, जो थकता न हो, ही इज कॉल्ड इनडेफटिगेबल, ऑप्शन डी। INDEFATIGABLE। और क्वेश्चन नंबर 4 देखे, एन एल्डरली अनमैरिड वुमेन, उसको स्पेंस्टर कहते हैं, SPINSTER। और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, उसको स्पोक्स मैन कहते हैं, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन जो है, चूज सिमिलर मीनिंग वाले अल्फाज हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखे, क्वेश्चन नंबर 6, एबडिकेट, एबडिकेट के बांदे वजारत, वजारत उज़्मा या प्रेसिडेंसी से सबकदोश होना, गिव अप, तर्क करना, ऑप्शन ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 7 नंबर, एम्बिसाइल, 7 नंबर क्वेश्चन, एम्बिसाइल, और ये एक स्टूपिड पर्सन को कहते हैं। एम्बिसाइल की मानी है स्टूपिड पर्सन, तो आइडियोटिक, ऑप्शन बी, बेवकूफाना, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है दोस्तों, ओब्लिक, OBLIQUE, और इसके मानी है स्पेंटिंग, ये इसके मानी सेंटिंग, एक स्लैंटिंग, स्लैंटिंग, ऑप्शन सी, इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। और 9 नंबर क्वेश्चन जो है, पल्मिनेट, फल्मिनेट, फल्मिनेट की मानी है प्रोटेस्ट, अलाउड एंड कंफ्यूज्ड नाइज, प्रोटेस्ट इस तरह होता है, तो उसको क्लेमर कहते हैं, क्लेमर, CLAMOUR, ऑप्शन ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 10, मुंडेन, MUNDANE, मुंडेन, ये वर्ल्डली, दुनियावी को कहते हैं, ऑप्शन बी है, वर्ल्डली, ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए दोस्तों, 11 नंबर को, FUGITIVE, पगिटियो, फोगटियो, कुछ इस तरह लफ्ज बनता है, ठीक है, और इसके मानी है जो बंदर मुल्क को छोड़कर भाग जाए, कुछ इस तरह के ना, एस्केपिंग, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। 12 नंबर देखिए, प्रोपेगेट, प्रोपेगेंडा से निकला, प्रोपेगेंडा वो जो बहुत जल्दी फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। 13 नंबर क्वेश्चन जो है, डॉर्मेंट,
डारमेंट गैर पाल को कहते हैं और इसका अपोजिट एक्टिव है डारमेंट, तो इसके करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है इनर्ट, INERT इनर्ट। 14 नंबर क्वेश्चन को देखें, एनोमली और इसके मानी है एनोमली बेतरतीबी को कहते हैं इररेगुलरिटी, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है इररेगुलरिटी। और क्वेश्चन नंबर 15 आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिए, रेक्टिफाई की मानी टू करेक्ट, रेक्टिफाई की मानी है करेक्शन, टू करेक्ट ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, बाकी इंशाल्लाह इसके बाद है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, तो इसको बाद दूसरी वीडियो पर छोड़ते हैं, आज के लिए इतना काफी है, टाइम ज्यादा हो रहा है, तो प्लीज लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।